छोटी बच्चियों तक को छोड़ा नहीं जाता है, उसके साथ भी अपराध होते हैं, तो फिर बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। भाई भतीजावाद का यहाँ पे ज्यादा बोलबाला है। बहनों ने भी बताया तो धमतरी तो समस्याओं का अंबार लग रहा है। गलत व्यक्ति को शीर्ष में बिठाती है और उसकी वजह से गलत निर्णय यहाँ पे आता है। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र मिश्रा। छत्तीसगढ़ तक के चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में शहर की प्रतिष्ठित और जागरूक महिलाएं उपस्थित है जो विभिन्न समाजों से आती है। आज इस चौपाल में बात होगी शहर के विकास की, शहर के पिछड़ेपन की और आने वाले चुनाव में किन किन मुद्दों का असर होगा इस बारे में। हमारे बीच में मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित वकील और सिंधी समाज की नेता पार्वती वाधवानी। हम सबसे पहले उनसे पूछना चाहेंगे इस चुनाव में शहर के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दा सड़क का है। जो यहाँ की सड़कें हैं वो बहुत ख़राब है, और पानी के दिनों में जैसे बरसात रहती तो इतने गड्ढे रहते हैं कि लोगों को दिखता नहीं है और एक्सीडेंट होता है और लोगों की कईयों की मृत्यु इस गड्ढे के कारण हो रही है। आप सिहावा रोड चले जाइए, रत्ना बांधा रोड चले जाइए, अन्य रोड चले जाइए, वहाँ सारे गड्ढे मतलब भरे नहीं है और बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। करीबन ये पाँच छः साल में बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हो गए। वो तो सबसे मेन समस्या है। और वैसे समस्या देखा जाए तो आज जितने भी हमारे यहाँ के जो आते हैं, जैसे विद्यालय है या कोई और भी चीज़ रहते हैं, वो दूसरे शहर भी चले जाते हैं। वो हमारे यहाँ आना चाहिए। समस्या हमारे यहाँ पूरे धमतरी में समस्या ही समस्या है, और इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक अच्छा नेता की आवश्यकता पड़ेगी और एक ऐसा जनप्रतिनिधि या ऐसे गुट लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो राजनीति से ऊपर होकर कार्य करे। और राजनीति से जो ऊपर होकर कार्य करेगा और समाज सेवा में आगे बढ़ेगा, वही इस धमतरी के विकास के लिए और ध्यान देगा। इस चुनाव में सड़क का मुद्दा बहुत प्रभावी रहेगा। जी हाँ, सड़क का मुद्दा तो बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सड़क के कारण और उस गड्ढों के कारण बरसात नहीं, तीनों ही महीना चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, एक्सीडेंट बहुत होता है। दूसरा मुद्दा हम लोग ये देखेंगे कि हमारे सड़कों से जो रात को बड़े बड़े वाहन जाते हैं, हाईवे जो रेत भर भर के जाते हैं, उस वाहन से हम लोग बहुत परेशान हैं। लगातार 100-100 वाहन, 100-200 वाहन एक साथ चलते हैं, तो आदमी का एक्सीडेंट और मृत्यु होना संभव है। उस वाहनों को भी बंद किया जाए। वाहन भी हमारे लिए जो हाईवे है, उस वाहन को तो बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए। और रात को जिस तरह से वो जाते हैं, एक भय का वातावरण धमतरी शहर में आज भी है। सड़क का मुद्दा एक प्रभावी मुद्दा है जिसको लेकर जनता जो है आंदोलित है। सड़क का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा कहीं ना कहीं गुमसा हो जाता है। आखिर ये नौबत क्यों आती है कि 4.5 साल ये मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं और चुनाव के 6 महीने में ही यह सड़कों पर दिखाई देते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं ईश्वरी पटवा जी। हम पूछना चाहेंगे कि ये मुद्दे आखिर चुनाव के समय में क्यों उठते हैं? क्योंकि उनको अपना जेब भरना रहता है और जनता को गुमराह करके नए नए योजनाएं लाते हैं। योजना तो अपने को मिलती नहीं है, जनता को भोली भाली जनता को लुभाने देते हैं। और हमारी भोली भाली जनता आ जाते हैं लुभाने, चलो भाई हमारा भी होगा, शहर का विकास होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब अपने अपने जेब भरने के लिए और कमीशन खोरी, और ये जो हो रहा है अभी गौमूत्र बेच रहे हैं, गोबर बेच रहे हैं। हमें तो डर है देवेन भैया कि कल के दिन हमारा छत्तीसगढ़ ना बिक जाए। ऐसे ऐसे नेता हमको मिलते हैं धमतरी में, ऐसी नेतागिरी, ऐसी राजनीति तो शायद ही दिल्ली में नहीं होती जो हमारे धमतरी क्षेत्र में होती है। आने वाले समय में मैं इस आपके चैनल से कहना चाहूँगी कि हमारे धमतरी की एक एक जनता जागरूक हो और ऐसे नेता को चुने, हमारे स्थानीय नेता को, जो दुख सुख में और आपकी समस्या में खड़े हों, ऐसे नेता को चुने। अब ऐसी दोबारा गलती ना करें। धन्यवाद। धमतरी में कहीं कहीं नेताओं की कमी है माना जा रहा है, जिसके चलते बीते 20 सालों से धमतरी का विकास रुका हुआ है। हमारे बीच में मौजूद है प्रिया पंजवानी जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि धमतरी में आखिर नेताओं की कमी क्यों है, क्यों गंभीरता नहीं आ पा रही है और शहर क्यों पिछड़ा हुआ है? योग्य नेताओं की तो कमी है ही, और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जान पहचान के लोगों को मौका दिया जाता है। भाई भतीजावाद का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है, इसी वजह से जो योग्य नेता है उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से लोग शहर का विकास लोग सोच नहीं पाते हैं। जो अयोग्य लोग आते हैं, जो अयोग्य नेता चुने जाते हैं, उनको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब रहता है, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने भाई भतीजावाद से मतलब रहता है। शहर के विकास से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। शहर के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता और शहर में नेताओं की कमी है। आखिर
नेताओं की कमी के कारण ही क्या पिछड़ा हुआ है या जनता भी कहीं कहीं उदासीन है। हमारे बीच में मौजूद हैं जानकी जी, हम सरोज देवांगन। नमस्कार, मैं सरोज देवांगन हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, महिला चौपाल के माध्यम से आपने जो धमतरी की मूलभूत समस्याएं हैं उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, ये आपका बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल है, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धमतरी की वैसी तो बहुत सी समस्याएं हैं भैया, और ये मूलभूत तो जो समस्या है जैसे मेरी बहनों ने अभी बताया, तो धमतरी तो समस्याओं का अंबार लग रहा है फिलहाल। तो जो हमारी रोड की समस्या है मेन समस्या है, बेतरतीब जो मवेशियाँ खड़ी रहती है वो दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं और जिसके लिए जैसे हम सब शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, वैसे उतनी ही जिम्मेदार यहाँ की जनता है ना, जो एक सही व्यक्ति को शीर्ष पर ना बैठाते हुए किसी भी लालच में आके गलत व्यक्ति को शीर्ष में बिठाती है और उसकी वजह से गलत निर्णय यहाँ पे आता है, उसी का ये परिणाम है कि यहाँ का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो हमको चाहिए कि जनता को जागरूक होना चाहिए और शीर्ष पर एक अच्छे व्यक्ति को बिठाएं ताकि शहर का विकास हो सके। धन्यवाद। शीर्ष पर सही व्यक्ति को बैठाएं जिसे शहर का विकास हो सके। हमारे बीच में जानकी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर शहर में समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना अच्छा महिला चौपाल लगाया है, और मैंने सभी को यहाँ पर सुना, राजनीति से उठ के सबने बहुत अच्छी धमतरी की विकास की बात की है, इसी तरह हम राजनीति से ऊपर उठकर विकास की के लिए सोचें, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा ही करें, क्योंकि कहीं कहीं हमारे बोलने और करने में ही अंतर आ जाता है, इसलिए विकास रुक गया है। तो जैसा हम अभी विचार व्यक्त कर रहे हैं उस पर हम अमल करेंगे और उस पर ही चलेंगे तो ही धमतरी का विकास हुआ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के भौतिक विकास से ही नहीं होता है, वहाँ के लोगों की बौद्धिक विकास भी उसमें जरूरी रहती है। तो एक तरीके से जो यहाँ प्रबुद्ध वर्ग है वो राजनीति में भाग नहीं लेता है, तो ये भी एक वजह है कि यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन को भी मौका देना चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो, जो पढ़े लिखे लोग हों, और उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो राजनीति में आए और तभी यहाँ का नक्शा बदले। सड़क का मुद्दा तो इस चुनाव में हावी रहेगा, महंगाई का मुद्दा कितना असर करेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिला है और महिला घर चलाती है, तो निसंदेह महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा मुद्दा होगा, चाहे सिलेंडर हो, सब्जी हो, राशन हो, ए टू जेड। मैं ये नहीं कहती टमाटर, वो तो मौसमी चीज़ है, हर मौसमी चीज़ आना जाना लगे रहता है, पर महंगाई तो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल, महिलाओं के डायरेक्ट उनका घर से उनके गृहस्थी से संबंध होता है और बहुत बड़ी बात होती है। महिलाएँ यदि, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, महिलाएँ ठान ले तो बहुत कुछ बदल सकती है। आप महिलाओं को ही मौका दे के दीजिए, और ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी हो और धमतरी शहर से हो, धमतरी की मूलभूत समस्याओं को जानती हो, ताकि मतलब राजनीति से परे हट के बात करी मैं ये नहीं कहती कि फला पार्टी से हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी महिलाओं को मौका दीजिए आप, ताकि वो धमतरी शहर की विकास कर सके, मूलभूत समस्याओं को कम से कम मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके। और देखिए, आवश्यकताएँ असीमित है, तो आवश्यकता तो ऐसा कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, पर कम से कम बहुत कुछ तो कम कर सकते हैं हम। और मैं चाहूँगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आए जो पढ़े लिखे हों, और जो हमारे शहर का कौन सा चीज़ में हम क्या काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी विकास कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखें। धन्यवाद। आप बताइए कि आखिर धमतरी में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है? कानून की व्यवस्था तो आप देख रहे हो, बिल्कुल निश्चित लगती ही नहीं है भाई, देख रहे हो दिन दहाड़े चोरियाँ हर घर में, ये सब चाकूबाजी करते हैं, मतलब कानून तो मेरे को व्यवस्था लगती ही नहीं है यहाँ। और आपने ये बात कही थी भाई, इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना सड़क का है। पहले सड़क बन जाए तो दुर्घटना ना हो, हर आदमी बहुत परेशान है धमतरी का। और उसके बाद बाईपास रोड का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा, और तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा है शिक्षा का। मेन कॉलेजेस यहाँ अच्छे होने चाहिए, बस मैं यही निवेदन करूँ जो भी अब सीट में बैठ रहे हैं वो थोड़ा इस पर ध्यान दे के हमारे धमतरी का विकास करें। धन्यवाद। कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है जो इस चुनावी माहौल में गरमा रहा है। हमारे बीच में पार्षद भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले बात कहूँगी कि छोटी बच्चियों तक को छोड़ा नहीं जाता है, उसके साथ भी अपराध होते हैं, तो फिर बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर कुछ भी कानून नहीं है। यहाँ पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं लेकिन उसकी व्यवस्था कोई भी नहीं है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात, यहाँ पर मुद्दे लगा के बैठ रहते हैं लेकिन कार्य कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर शासन सिर्फ एक तरफा सुनती है सरकार की,
और सरकार जब अपने हिस्से पे है तो वो सिर्फ अपना सुनती है, अपना करती है। यहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है, यहाँ पर जिसकी सरकार है उसी की सुनी जाती है। हम अपने पक्ष के लिए आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई होती है तो सरकार की होती है, जिसकी सत्ता उसकी उसकी लाठी बात करती है। तो ये है कानून व्यवस्था। आप क्या कहना चाहेंगी? कानून व्यवस्था तो यह लचर है। वो अधिवक्ता दीदी हमारी बैठी, उनसे पूछिए। दिन दहाड़े लूट और चोरी, डकैती, दुष्कर्म सारे हो रहे हैं, रोज हम लोग को सुनने को मिलता है। पहले 2-4 साल में एक आध ऐसा कुछ केस होता था, अब तो साल में 2-4 केस सुनने को आता है। ये क्यों है स्थिति, क्या इसके लिए कहीं प्रशासन जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार है, बताए ना। नेता विहीन हमारा धमतरी जिला, अधिकारी विहीन धमतरी जिला। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपना जेब भरने का ठान लिया है। और शहर का कोई विकास होता ना, आगे भी होगा। मेरे को ऐसा नहीं उम्मीद कि आगे भी कुछ होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि धमतरी को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है अधिकारियों के मद्देनजर, जिसके कारण अधिकारी यहाँ आते हैं और फट जाएगी रस्म अदायगी करके चले जाते हैं, जिसके कारण से चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास की समस्या हो, जस की तस बनी रहती है। हमारे बीच में नम्रता पवार भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर अधिकारी इसे प्रयोगशाला क्यों बना दिए हैं? अधिकारियों का आपके माध्यम से कहना चाहूँगी मिश्रा भैया कि अधिकारियों को सिर्फ अपने जेब भरने का है, बाकी उनको कोई मुद्दा नहीं। आप SDM साहब को देख लीजिए, बार बार जब यहाँ के जनप्रतिनिधि चक्का जाम करते हैं, बस उनके पास जा के आश्वासन दे के बस लौटते हैं। बोलते हैं मैडम 2 दिन में काम हो जाएगा, मैडम 4 दिन में काम हो जाएगा, बस ये आश्वासन रहता है। क्योंकि उनको मालूम है जो भी सरकार बैठी हुई है उनका जेब भर रही है, बाकी उनको अपने और जनता के से कोई मतलब नहीं। वो 4-व्हीलर गाड़ियों में घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाएँ, स्कूल जाएँ, जना जाएँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर नगर निगम में जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको तो सर्वप्रथम चाहिए कि आप शहर का विकास देखिए, ना कि अपना विकास देखिए। यहाँ पर वो अपना विकास देख रहे हैं, शहर का विकास नहीं देख रहे हैं। आप इसके लिए साक्षात प्रमाण है मिश्रा भैया, क्योंकि आपका मकान निवास स्थान रत्नाबांधा की ओर है, मैंने देखा है, और आप उस रोड से रोज गुजरते हैं। और मैं चाहती हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि आप महापौर का भी मकान उसी तरफ है, और उनको चाहिए कि वो ये गड्ढे भरवाएं, ताकि किसी बच्चों का, किसी व्यक्ति का, किसी बेटे का, किसी माँ का, किसी बहन का एक्सीडेंट ना हो। आप देखिए आए दिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, इसलिए मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अपना विकास छोड़ के शहर विकास करिए। अपना विकास छोड़ के नेता जो है वो शहर का विकास करे। हमारे बीच में हेमलता शर्मा जी भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये बहाना नेताओं का कहाँ तक जायज है कि सरकार हमारी नहीं है जिसके चलते हम विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, शहर में हमारी वो एक विकास के जो कार्य हैं जो हमारी सरकार नहीं है, जो विपक्ष में हम जो बैठे हुए हैं, हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बार बार वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन हमारी वो उस इसको कर नहीं पा रहे। मैं थोड़ा सा हमारे बीच में कनक शाह जी मौजूद हैं, आखिर इस आप बहाने को कितना जायज मानती है कि सरकार हमारी नहीं होने के कारण हम विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं? दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा यह बहाना जनता के बीच में थोप दिया जाता है। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहती, ना किसी भी पार्टी से। ये तो मतलब आम समस्या है, आम जनता की समस्या को जो भी पद में बैठे है उसको देखना चाहिए, उसको अपना परिवार समझना चाहिए। पूरे धमतरी का अपना परिवार समझ कर कार्य करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपना खुद का देख के करे तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं उससे यही बोलूँगी कि अपना परिवार समझ के अगर काम करते तो ये इतनी सारी जो समस्या है ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती और कोई शिकायत ही नहीं होती। बस धमतरी में गोकुल नगर नहीं होने के कारण आवारा पशुओं का सड़कों पर बैठना आम बात है, जिसके कारण से चाहे वो जानवर भी हादसे के शिकार होते हैं और आम आदमी भी इस दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हमारे बीच में ज्योति गुप्ता मौजूद हैं कि गोकुल नगर की ज़रूरत को कितना महसूस करती हैं वो? बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैन लगाना डॉगी, इतने सारे कुत्ते घूमते रहते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाता हुआ निकला हो गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आए दिन गंदगी तो बहुत होती है, और सबसे बड़ी समस्या तो हमें लग रहा है आज छोटे छोटे हर जगह वो अवैध शराब क्या बिक रही है हम तो जानते नहीं, बट वो बच्चों में इतनी नशाखोरी बढ़ गई है और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बताते हमारे भाई लोग, इतना ज़्यादा बच्चे उसके हो रहे। इस पर कंट्रोल करना चाहिए, छोटे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या नशा। अगर नहीं बन पाया बीते 15 सालों से, इसके बारे में क्या कहेंगे?
लोग ध्यान ही नहीं देते। गोकुल नगर बहुत जरूरी है और जो है भी तो वहाँ पर क्या हो रहा है इसका अभी तक किसी ने उतना, हम ही सब, हम तो सबसे बड़ी गलती हम अपनी खुद मानते हैं। तकलीफ होती है बिल्कुल, जो शहर के बीच में संचालित होते हैं, बिल्कुल आवारा पशु घूमते रहते हैं, उसके कारण सबसे बड़े एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। आप चला रहे हैं गाड़ी, बीच में आ गया कोई पशु, उससे कितने लोगों का नुकसान होता और जिसका जाता उसको तकलीफ होती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या भी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए आने वाले समय में। बिल्कुल, गोकुल नगर की समस्या बीते 15-20 सालों से है। 2008 में रमन सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि शहर के बाहर गोकुल नगर को स्थापित किया जाएगा और शहर की तकरीबन 74 डेयरियाँ हैं वो वहाँ शिफ्ट की जाएगी करके, लेकिन ये मांग जो है, ये जो प्रस्ताव है और ये जो घोषणा है आज भी अधूरी है। हमारे बीच में नीलू पवार मौजूद है। गोकुल नगर की समस्या जस की तस है, आप पार्षद हैं, आपने इस संबंध में क्या मांग की? गोकुल नगर की समस्या जस का तस नहीं है, गोकुल नगर में काम चालू हो गया है, बट जो डेयरी है जितनी भी हमारी धमतरी शहर के अंतर्गत, उन लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं, उनको पूरी सुविधा दे चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग अपना जिस जगह पर पसारे बैठे हैं, मोहल्ला को गंदगी कर रहे हैं, उन लोग वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। तो ये हमारा प्रशासन का एक वो बोला जाएगा कि कमज़ोर है कि हम वहाँ से हटा नहीं पा रहे, लेकिन उनकी पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। और जो लगातार बोला जा रहा है कि आवारा पशुए हैं, पशुए आवारा नहीं है, सब पालतू पशु है और ये एक आम नागरिक उसको पालती है और जब काम रहता है तब गाय को घर में रखती है और नहीं हो रहा था तो गाय को बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक आम नागरिक भी वहाँ पर जिम्मेदार है। वहीं पे जितनी भी डेयरियाँ हैं, सफाई की बात आ रही, जिस वार्ड में सफाई नहीं हो रही है तो वो उस जगह नहीं हो रही जहाँ वो डेयरी स्थापित है। और वो डेयरी को हटाने में अगर वार्ड वासी एक बार भी आंदोलन करे, अपने हक के लिए लड़े, तो वो डेयरी आज का आज उनको हटना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमको आम जनता को भी अपनी जागरूकता दिखानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। और रही गोकुल नगर की बात, तो हम पूरी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। गोकुल नगर का मामला कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता के चलते आज भी जस का तस बना हुआ है। भले इसमें सरकार की भूमिका हो या ना हो, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासन की कमजोरी ही गोकुल नगर के फेल होने का एक कारण है। तो ये था हमारा आज का चौपाल, जिसमें शहर की प्रतिष्ठित महिलाओं ने बेबाकी से अपने विचार रखे, साफ गोई से बताया कि शहर के पिछड़ेपन के लिए आखिर कौन दोषी है, और ये भी बताया कि आने वाले चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो असर करेंगे। हम इसी तरह चौपाल कार्यक्रम में आपसे मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, देवेंद्र मिश्रा, धमतरी, छत्तीसगढ़ तक।